Hello and welcome back to my YouTube channel and in a new video. So आज का वीडियो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए, तो आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाला. आज होने वाला है अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि बहुत ही दिनों से अवेटेड था. हम बहुत दिन से इस पार्सल का वेट कर रहे थे और फाइनली ये आ ही गया है. तो अब ये क्या है तो हम आपको दिखाते हैं. मोस्ट अवेटेड पार्सल. आउच, ये काफ़ी हैवी है गाइस. तो ये है मेरा पार्सल जो मुझे रिसीव हुआ है. तो ये मैंने एक बार खोल के देख लिया है, क्योंकि कुछ स्कैम्स और फ्रॉड्स के वजह से शायद फ्लिपकार्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी दे रही है, तो जिस वजह से वो कुरियर वाले भैया भी इसको खोल दिए थे वहाँ पे. तो मैंने देख लिया है, तो मैंने फिर से अनबॉक्सिंग करने के लिए इसे फिर से रीपैक कर दिया है आप लोगों के लिए. तो अब इसको फिर से अनबॉक्स करते हैं. और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोज़ को भी लाइक कर दीजिए. बिना डिले किए बढ़ते हैं वीडियो पे आगे. अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है. तो फाइनली ये खुल चुका है. हम लोग देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है. तो इसके अंदर है ये. सो ये मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल वैनिटी बैग जो मैंने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से, और ये मुझे पड़ा है 1400 समथिंग, ऑलमोस्ट 1500 का ये मुझे पड़ा है. और ये देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल वैनिटी बैग है जिसमें मैं अपने सारे मेकअप्स को स्टोर करके रख सकती हूँ. तो आइए इसको खोल के देखते हैं कि ये कैसा है. तो इसके अंदर से ऐसा कुछ प्लास्टिक पैकेजिंग में ये आया है, तो इसको भी हम लोग ओपन कर लेते हैं. सो ये कुछ ऐसा है. इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी सही है. ये साइड से थोड़ा सा हार्ड है और इधर से बाकी ये पूरा बैग टाइप ही है, जो कि वॉशेबल है. आप इसको गंदा होने पे आराम से धो भी सकते हैं. और इसके जो भी कंपार्टमेंट्स है, अभी हम लोग उसको देखेंगे और अंदर देखेंगे कि अंदर कैसा है इसका कंडीशन. तो आइए देखते हैं हम लोग. तो हम लोग फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे जिसका जिपर इधर दिया हुआ है इस साइड. तो ये हम लोग का फर्स्ट कंपार्टमेंट है, जिसमें कि यहाँ पे ये इलास्टिक वाला ये दिया हुआ है, जो स्ट्रेटनर वगैरह का जो वायर होता है वो ज़्यादा उलझेगा नहीं बैग पे. और यहाँ पे एक जिपर कंपार्टमेंट दिया हुआ है जिसमें कि आप इजीली अपने पैलेट्स वगैरह रख सकते हैं. तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी जिप की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, जिससे अगर आपके हेयर टूल्स थोड़े छोटे हैं तो वो भी यहाँ पर आपको आराम से अट जाएंगे. उसके बाद ये रहा, ये हम लोग का था फर्स्ट कंपार्टमेंट. अब हम लोग देखते हैं सेकंड कंपार्टमेंट. इसका जिपर भी सही वर्क कर रहा है. सेकंड वाला अभी हम लोग देखते हैं जो कि मेन है. सो ये कुछ ऐसा है, जिसमें कि यहाँ अलग अलग रिमूवेबल ये दिए हुए, डिवाइडर्स दिए हुए, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको जितना स्पेस चाहिए आप उतना स्पेस बना के आप इसमें अपना सामान एडजस्ट कर सकते हैं अपने सारे प्रोडक्ट्स को. और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रोडक्ट्स इधर उधर बिखेर के नहीं रखना पड़ेगा, सब चीज़ आपको सामने सामने दिखता जाएगा कि क्या कहाँ पर है, और आप यूज़ करके उसका उस प्रोडक्ट्स को दोबारा उसी जगह पर फिर से डाल सकते हैं. सो ये हम लोग का इस साइड का. अब हम लोग इस साइड देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक ये स्टिकी वाला दिया हुआ है. और यहाँ पे ब्रशेस रखने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा. यहाँ आप अपने सारे ब्रशेस को आराम से अरेंज करके रख सकते हैं, ब्रशेस एंड जो भी पेंसिल या पेन टाइप के जो भी होते हैं, लाइक काजल और लिप लाइनर्स वगैरह भी आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है. और उसके ऊपर से यहाँ पे ये एक थोड़ा प्लास्टिक टाइप दिया हुआ है, जिससे कि आपका बैग गंदा नहीं होगा. अगर आपके प्रोडक्ट्स आपके ब्रश पे भी लगे हुए रहेंगे तो वो बैग को गंदा नहीं करेंगे, इसको आप इजीली क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल का है. और ये आपका कवर करके रखेगा, तो जिससे आपके ब्रशेस इधर उधर नहीं होंगे और यहाँ सेफली रहेंगे.
इसके बाद एक जिपर यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी आप इजीली अपने छोटे पैलेट्स को रख सकते हैं, यहाँ भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसके बाद सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें ये दो बेल्ट दिए हुए हैं जिसको आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपका ये बैग ऑटोमेटिक ऐसे होल्ड हो जाएगा, जिससे कि आप इजीली वर्क कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने ब्रशेस एंड टूल्स को ले सकते हैं, यहाँ आप अपने सामान को रख सकते हैं। तो ये बिगिनर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के लिए ये काफ़ी अच्छा वैनिटी है जो आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। और इसके साथ में ही एक ये स्ट्रैप भी मिला है जिससे कि आप इस वैनिटी को एज अ बैग भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ बैग भी कैरी कर सकते हैं। इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा सही है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये ओवरऑल ये वैनिटी मुझे काफ़ी सही लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये परचेस किया है। और मैं आपको भी ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप भी कोई अच्छा वैनिटी ढूंढ रहे हैं बजट फ्रेंडली, तो आप बिल्कुल इस वैनिटी के साथ जा सकते हैं। सो आप भी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो पहले हम लोग इसको बंद कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ दोनों बेल्ट को निकाल लिया, अब हम लोग इसको आराम से बंद कर सकते हैं। इसके जिप को हम लोग बंद कर लेते हैं। सो अब आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें यहाँ एक हुक दिया हुआ है, प्लस यहाँ भी दो हुक्स दिए हुए हैं जिसमें कि हम ये स्ट्रैप अटैच करके आराम से इसको बैग के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जितना लंबा या छोटा चाहिए। और इसमें ये हुक दिया हुआ है जिससे आप यहाँ पे इसको हुक को अटैच करके यहाँ पे हुक कर सकते हैं, तो जिससे कि ये एक स्कूल बैग टाइप बैग में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको अपने बैग पे आराम से कैरी कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये आप इसमें लेंथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक अगर आपको छोटा लेंथ चाहिए तो आप इसको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो जिससे कि ये कैरी करने में बहुत इजी हो जाता है। अगर आपको वैनिटी के साथ अगर आप रिंग लाइट वगैरह भी कैरी कर रहे हैं तो आपका हैंड फ्री रहेगा बाकी सारे सामान को कैरी करने के लिए। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी लगी। तो साथ ही आप इसको और एक साइड से भी कैरी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ साइड में भी हुक लगाने का स्पेस दिया हुआ है, जिससे कि आप इस स्ट्रैप को यहाँ लगा के भी साइड बैग के जैसे कैरी कर सकते हैं इसको। सो आप ऐसे इजीली साइड बैग की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से एज साइड बैग भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे इस बैग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल इसका साइज भी डिसेंट है। इसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स अट जाएंगे अगर आप बिगनर्स हैं तो, और आप कॉम्पैक्ट वैनिटी रखते हैं तो। प्लस इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है, इसके इनर जो भी कंपार्टमेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। तो डेफिनेटली मैं ये आपको रिकमेंड करती हूँ, आप इस वैनिटी के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको ये वैनिटी चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा है, तो अगर आपको भी कोई बजट फ्रेंडली वैनिटी चाहिए तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। तो इसमें और एक अच्छी चीज़ ये दी हुई है कि यहाँ पे एक ये गैप दिया हुआ है जिससे कि आप अगर कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हो तो आप इस पे इजीली इसको अपने लगेज के हैंडल के साथ लॉक करके भी ले जा सकते हैं, जिससे कि इसको आपको अलग से पकड़ के कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि ये हमारा लगेज है तो इसको हम लोग इस गैप में ऐसे लॉक कर लेंगे, इसके हैंडल को थोड़ा और निकालेंगे तो आप इजीली इसको यहाँ पे रख के कैरी कर सकते हैं लाइक दिस। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।